गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ निविया की कुछ और प्रोडक्ट्स। यू नो कि मुझे निविया की प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, इनके लोशन, क्रीम्स, इनके ड्यूड्रेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग। मेरे पास बहुत बड़ी रेंज है, तो बहुत सी वीडियोज़ में मैंने इनकी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कशन की भी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो लिंक मैं इधर इधर कहीं भी लगा दूँगी। यह सब आपने देख ली है, तो आज मैं इन क्रीम्स के बारे में, जो कि इनकी ये न्यू फ्लेवर्स हैं, इनके बारे में बात करने वाली हूँ। जब भी कोई प्रोडक्ट न्यू लॉन्च होता है मार्केट में, तो हम लोगों के पास जहन में यही क्वेश्चन होता है कौन सी कैसी है, किसकी फ्रेगनेंस अच्छी है, कौन सी हमारी स्किन टाइप के लिए अच्छी है। तो ये क्वेश्चन होते हैं मेरे माइंड में, होते हैं तो जाहिर सी बात है हर लड़की के माइंड में होते होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं इन क्रीम्स के बारे में डिटेल रिव्यू करने वाली हूँ। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, कीप ऑन वॉचिंग। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग, इसके वेट की और इसके रेट की। सो पैकेजिंग इसकी सेम जो आपकी निविया सॉफ्ट मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो ब्लू एंड वाइट वाली है, सेम पैकेजिंग वैसी है। वेट भी उतना है, लेकिन रेट में थोड़ा सा फ़र्क है। जो निविया सॉफ्ट ब्लू एंड वाइट वाली थी, जो यानी सिंपल वाली इनकी आती है, वो मैंने आज से तकरीबन 6-7 महीने पहले ली थी 350 की। तो ये 2021 का आपको रेट बता रही हूँ। अगर ये वीडियो मेरी आगे जाके आप लोग देखते हैं तो रेट में जाहिर सी बात है डिफर आ जाता है। तो 2021 का आपको रेट बता रही हूँ कि ये मुझे 380 में मिली है। बात करते हैं इनमें से कौन सी ज़्यादा अच्छी है, कौन सी नॉर्मल है, कौन सी आपको नहीं लेनी चाहिए। तो जो सबसे अच्छी है वो दिस वन, यानी कि येलो फ्लेवर। येलो जो फ्लेवर है वो है ट्रॉपिकल फ्रूट फ्रेशीज, और इसमें जो मुझे इसकी फ्रेगनेंस फील होती है ना, वो पाइनएप्पल वाली फील होती है, जो कि अच्छी है। इसकी फ्रेगनेंस इन दो की निस्बत अच्छी है। मैंने असल में जो ये पिंक वाली ली थी ना, मैंने ये इस चक्कर में ली थी, ये पिंक कलर की है, तो इसमें जी बेरीज की जो है ना फ्रेगनेंस होगी। बट पिंक वाली के साथ मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ना, उलट ही रहा है। ये टेक्सचर वाइज और वेट वाइज मैंने आपको बताया, बिल्कुल सेम टू सेम पहले जैसी है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, ये देखें कि मैंने इसको भी काफ़ी यूज़ किया है, बट इसकी जो फ्रेगनेंस है ना, ओ माय गॉड, मतलब जो नहीं वो बच्चों की, जब बच्चे बीमार होते हैं डॉक्टर अपनी तरफ से जो दवाई देते हैं पिंक वाली, सिंपली मैं आपको बताऊं कि इसकी जो स्मेल है, इसकी जो फ्रेगनेंस है, वो बिल्कुल दवाइयों जैसी है। तो अगर आप निविया की न्यू रेंज में से कोई पिक करना चाह रहे हो तो पिंक वाली मेरी तरफ से नो है। सबसे पहले प्रोज एंड कॉन्स मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैं ये जो पिंक वाली है इसको आप मत खरीदिए, क्योंकि इसकी फ्रेगनेंस बहुत अजीब है। उसके बाद बात करते हैं ग्रीन वाली की, जो कि ये है, ये भी अच्छी है, और ये है सॉफ्ट चिल्ड मिंट फ्रेशीज, और इसको भी मैंने यूज़ किया है। मैंने आपको बताया कि मैंने आप लोगों को ना को रिव्यू देने के लिए इन सबको थोड़ा थोड़ा यूज़ किया है। ये देखिए, इसको भी मैंने दिख जाओ, इसको भी मैंने यूज़ कर लिया है। इसकी जो फ्रेगनेंस है काफ़ी बेहतर है, थोड़ी सी जैसे ना कुकम्बर टाइप है, लेकिन मिंट वाली फीलिंग मुझे आ नहीं रही है जो इस पर मैंशन है कि ये। सेकेंड नंबर पर ये है, वो थर्ड पर थी अगर आप निविया जो है ना पिंक वाली पूछते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छी मुझे लगी है वो इसकी येलो वाली है, ये वाली ठीक है। और ये है सॉफ्ट ट्रॉपिकल फ्रूट फ्रेशीज, वो भी ट्रॉपिकल फ्रूट था, ये भी सॉरी ये बेरी ब्लॉसम था। यस, ये देखिए इसका नाम भी बेरी ब्लॉसम है। मैंने इसके नाम को ही देख के ना इसको लिया था कि बेरी ब्लॉसम है, तो जाहिर सी बात है फिर बेरीज जैसी इसके अंदर फ्रेगनेंस होनी चाहिए, बट ये कुछ और ही निकला। तो ये है जी इनका ट्रॉपिकल फ्रूट, और ये बहुत अच्छी है। तकरीबन मेरी ख़त्म होने वाली है, वो इसलिए कि इन तीनों में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी यही लगी। इसकी भी मैं आपको दिखा देती हूँ, मतलब ये बस थोड़ी सी रह गई है, ये देखें, और बहुत अच्छी है, आपके जो है स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर देती है। बट अगर कंपेरिजन किया जाए निविया जो इनकी ब्लू वाली है, जो बहुत ज़्यादा ऑयली है, मेरी स्किन के ऊपर बहुत सबसे ज़्यादा सूट करती है, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सुपर ड्राई है, मतलब जो फ्लेक्स होते हैं ना वो उतरते हैं, तो मैं रात में उसी को लगा के सोती हूँ, लेकिन दिन में ये लगा लेती हूँ। लेकिन उसके साथ साथ दिन में इसको एक बार लगा के मैं छोड़ नहीं देती, हर 3 या 4 घंटे बाद जब भी मैं फ्री होती हूँ तो मैं आकर इसको दोबारा लगा लेती हूँ, ये अब्सॉर्ब हो जाती है। लेकिन अगर आप ऑयली टू नॉर्मल स्किन है आपकी, तो आप लोगों के लिए ये वाली बेस्ट है। लेकिन अगर आपकी बहुत सुपर सुपर ड्राई स्किन है, तो फिर आप जो निविया ब्लू वाली है आप उसको ज़्यादा प्रेफर करें। बट मैंने आपको जैसे पहले ही कहा है कि मैंने प्रोडक्ट रिव्यू करने होते हैं तो मैं ये लेकर आई हूँ। अगर मिड सीज़न में या बिल्कुल आती सर्दियों और जाती सर्दियों के लिए ये वाला प्रोडक्ट जो है ड्राई स्किन वालों के लिए ठीक है,
लेकिन विंटर्स में और ऐसी जो बिल्कुल खुश्क अभी सर्दी पड़ रही है, इसके अंदर आप जो ब्लू वाली निविया है उसको परचेज़ करें, वो बहुत ही अच्छी है। सो यस, ये थी आज की वीडियो। मैंने आप लोगों को बताया है कौन सी निविया की प्रोडक्ट, कौन सी क्रीम इन तीनों में अच्छी है। सो आई होप के जो लोग इनको अब ख़रीदेंगे उनको पता होगा कि कौन सी कैसी है, क्योंकि ना जब हम मार्केट में जाते हैं या हम जिस शॉप से कोई भी चीज़ ले रहे होते हैं तो वहाँ पे ये सील्ड होती है, वहाँ पे हमें इसकी फ्रेगनेंस वगैरह फील नहीं होती है। तो घर आके जब मैंने इनको खोला, इनको यूज़ किया, तब मुझे पता चला फार्मूला तीनों का एक जैसा है, सिर्फ फ्रेगनेंस में फ़र्क है। तो ये सबसे बेस्ट है, उसके बाद ये और फिर पिंक वाली। सो आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर हेल्पफुल रही है तो मेक श्योर कि आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।